बात कर रहे हैं हमारी टीम से। लेकिन उनमें मन में अभी डर है, हम लोग दो तीन दिन से यहाँ पर, ये डर निकालना पड़ेगा, वो डर निकालना पड़ेगा। और देखिए, डर के आगे जीत है जो बोलते हैं, अगर वो डरेंगे नहीं तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक बार वो बात कर ले और फिर बाकी काम हमारा है। पुलिस से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता ये लोग डरे रहेंगे, और अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और बात करेंगी। इनका ये भी एक सवाल है, इनका ये कहना है कि अभी तो सब हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या उसी तरीके से हमारा ध्यान रखा जाएगा जिस तरह से आज रखा जा रहा है? बिल्कुल रखा जाएगा। अब उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए। और हम लोग उनके साथ है, राष्ट्र महिला आयोग है, किस लिए महिलाओं के साथ है, और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊँगी, चाहूँगी कि वो मेरे हमसे बात करें, टीम से बात करें, और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। मैम, जो जब सवाल पूछा गया, डीजी राजीव कुमार ने ये बताया कि एक महिला है जिसका जो आई ना, अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी, अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं, ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और ये पहली बार नहीं है। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, हर इलेक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपने देखा है, हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टीज की महिलाओं को, और हर बार यही होता है कि पुलिस कुछ नहीं करती है, हाथ पे हाथ, कोई मर्डर हो, कोई रेप हो, पुलिस कुछ नहीं करती, उल्टा उन्हीं के ऊपर चार्जेस लगाकर। और ये यहाँ की बात नहीं है, एक संदेश खली की बात नहीं है, पूरे वेस्ट बंगाल में यही हाल है। मैम, जो उनके ऊपर हमला हुआ है, इसीलिए मैं खुद आई हूँ कि ये जो भी हमला है हम साथ हैं खड़े, सेंट्रल एजेंसीज साथ है, कहीं ना कहीं हमको इस ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देनी है और उनका डिसीजन होगा कि आगे क्या करना है अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो। टीएमसी की तरफ अगर मैं एक्टर लगती हूँ, और मतलब टीएमसी आधी तो एक्टर से ही भरी हुई है, वो ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, उनके नेता एक्टिंग से ही बने हैं सारे, तो वो हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, हम तो एक ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। अगर एक्टर्स भी ऐसी बातें उठाते हैं, क्योंकि उनको भी अधिकार है, तो मुझे लगता है वो भी ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं। और शाहजहां इतना दिन हो गया पूरा, इसीलिए महिलाएं डरी हुई हैं, अरेस्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अरेस्ट के बाद महिलाएं और आएंगी आगे, कहीं ना कहीं हमें इस पे जोर देना होगा कि ये जो शेख है इसको अरेस्ट किया जाए। मुझे काम करने दें, उसके बाद बात।